नालंदा की पांच बड़ी खबरों की बात करें तो बड़ी खबर हिलसा थाना क्षेत्र के तुलसी बीघा खंडा से आ रही है, जहां कल शाम से लापता युवक का शव सड़क किनारे मिला। युवक मृतक की पहचान कपिसियामा गांव निवासी स्वर्गीय राम भजन पासवान के 30 वर्षीय पुत्र राजीव पासवान के रूप में की गई है। बताया जाता है कि युवक शाम को टहलने के लिए निकला था, इसी दौरान सड़क हादसे का वह शिकार हो गया। देर शाम तक परिजन खोजबीन किए, इसी दौरान पता चला कि सड़क किनारे युवक की का शव पड़ा हुआ है। परिजन जाकर के शव की पहचान की, तब जाकर के मामले का खुलासा हुआ। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो बिहार शरीफ के मगड़ा गुफा पर गांव में पिछले एक सप्ताह से चल रहे श्री मद भागवत कथा के समापन के मौके पर भव्य भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें मगड़ा खरजम्मा समेत करीब 10 से अधिक गांव के 12,000 लोगों ने प्रसाद का ग्रहण किया। इस मौके पर अयोध्या धाम से आए हनुमान निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी ने बताया कि कलयुग में श्री मद भागवत के श्रवण से ही लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। लोगों को चाहिए कि भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। भंडारे को लेकर के दिन भर जो है लोगों का जो हुजूम जुड़ा रहा, लोग प्रसाद खाकर श्री हरि का नाम लिए। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो बेन थाना क्षेत्र के हरी ओमपुर गांव से आ रही है, जहां गड्ढे भरे पानी में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। मृतक करजारा गांव निवासी पंकज कुमार की 2 वर्षीय पुत्री निक्की कुमारी है। उसकी मां पूजा देवी ने बताया कि वह अपने ननिहाल हरी ओमपुर गांव में रहती है। मंगलवार को आंगनबाड़ी बच्ची पढ़ने गई थी, इसी दौरान वह डूब गई। जब घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन किए, इसके अगले दिन बच्ची का शव पास के गड्ढे में से बरामद किया गया है। वहीं हम अन्य चौथी खबर की बात करें तो लॉयंस क्लब ऑफ नालंदा द्वारा आज राजकीय कन्या उच्च विद्यालय सोसराय में छात्राओं के बीच सैनिटरी नैपकिन वेल्डिंग मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया। साथ ही क्लब के द्वारा जो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए सिलाई मशीन का भी जो है दिया गया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने बताया कि महिलाएं स्वावलंबी हों, इसीलिए उनके बीच जो है आज सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। वहीं हम पांचवी खबर की बात करें तो राजगीर थाना पुलिस एक बार फिर एक्शन के मूड में है, जहां उन्होंने चुनाव के दौरान बने समर्थक उदय केवट को गिरफ्तार किया है। उन पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामले चल रहे थे और वे काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिला कि वे नामांकन के दौरान समर्थक के रूप में कार्यालय आए हुए हैं। नामांकन जहां पर दौर चल रहा था वहीं पर आए हुए हैं, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो राजगीर थाना पुलिस ने एक बार फिर 5 नशेड़ियों को एक जगह से ही शराब के नशे में से गिरफ्तार किया है।